खबर अजीतगढ़ से, जहां श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव अजीतगढ़ में बलराम यादव जनसेवा के नेतृत्व में सैकड़ों यादव समाज के लोग केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला दहन कर शतबुद्धि हवन किया गया। सावलराम यादव प्रवक्ता ने बताया कि 2 दिन पहले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यादव समाज के मान सम्मान में श्री कृष्ण विकास बोर्ड का गठन घोषणा की गई थी, जिसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने टिप्पणी की। इससे यादव समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। मैं दिनेश यादव, प्रदेश महासचिव ओबीसी कांग्रेस। आज जैसा कि अजीतगढ़ में हजारों की तादाद में युवा साथी इकट्ठा हुए थे, विषय एक ही था कि कुछ परसों के दिन हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया और पूरी समाज में एक खुशी की लहर दौड़ उठी थी। पर इसी दरमियान एक ट्वीट आता है केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कि ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब इससे पहले भी बोर्डों का गठन हुआ था, जब आपके महाराणा प्रताप के बोर्ड का गठन हुआ था, तो हम सब ने दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद और साधुवाद किया था। अब आपको ऐसी क्या परेशानी आ गई कि जैसे यादव समाज के बोर्ड का गठन होता है तो आप इसमें जात पात धर्म ढूंढने लगते हैं। आप अपने मानसिक दिवालियापन खो चुके हैं और इससे आपको ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी मांग थी हमारे समाज की। इस मांग के लिए सारे समाज ने इकट्ठा हुआ था 16 अप्रैल को और 3 लाख से ज़्यादा समाज बंधु हमारे इकट्ठा हुए थे। तो माननीय गजेंद्र जी, आप बिल्कुल अपना जो है दिवालियापन दिखा रहे हैं, इसका हम बिल्कुल पूरा समाज भर्त्सना करती है। और अब ये तो अभी शुरुआत हुई आज अजीतगढ़ से, इसके बाद 6 बजे चोमू में आप लोगों का पुतला दहन होगा आपका, और कल तक पूरे राजस्थान में यादव समाज जो है आपका पुतला दहन करेगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे नाकारा निकम्मे मंत्री को जो है आज बहुत एक खेद का विषय ये है कि देश में जब अच्छे काम होते हैं तो कुछ लोगों को उसकी विरोध में बात करने की आदत है। इसी आदत को लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने एक ऐसा बयान दिया जो 3 दिन पहले आदरणीय अशोक गहलोत जी ने यादव समाज के सम्मान में, जहां लाखों लोग इकट्ठे होकर उन्होंने मांग की थी श्री कृष्ण बोर्ड के गठन का की घोषणा की, और उसके साथ साथ राव तुलाराम मार्ग, राव तुलाराम पार्क और रेजांगला पार्क, इस तरह से रेजांगला और राव तुलाराम के शहीदों को पाठ्यक्रम में शामिल करना, सारी जो मानने वाली मांगे थी उन पे सहमति प्रकट की और घोषणा की कि मैं इनको स्वीकार करता हूँ, और केंद्र सरकार को अहिर रेजिमेंट के लिए पत्र लिखा। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने ट्वीट करके ये कहा कि भगवान के नाम पे गहलोत जी राजनीति। मैं केंद्रीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने तो राजनीति भगवान के नाम पे किए, ये तो भगवान श्री कृष्ण को सम्मान देने का काम किया है, एक समाज को सम्मान देने का काम किया है। उस पर इस तरह का ट्वीट करके उन्होंने बहुत गलत मानसिकता को जाहिर किया है। ये यहाँ अजीतगढ़ यादव समाज के तमाम लोग, बलराम जी, दिनेश जी और तमाम युवाओं के साथ, बद्री जी, रामदेव जी, सब मिलकर के यहाँ के युवाओं में बड़ा आक्रोश है। तो उनका पुतला भी जलाया है, और पुतला जलाने के पीछे हमारा संदेश यह है कि कोई अच्छे काम का विरोध नहीं करे, इसलिए हम लोगों ने उनका पुतला जला करके विरोध दर्ज किया है और ज्ञापन यहाँ तहसीलदार के माध्यम से दिया है कि वो ऐसे जो गलत बयान करने वाले मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और अहिर